नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको सोयाबीन में बीज उपचार का महत्व और उसके तरीके के बारे में बताऊंगा। सोयाबीन में बीज उपचार करने के लिए एक फफूंदनाशी कीटनाशी और राइजोबियम का एक निश्चित क्रम होता है, जिसको अपन FIR के नाम से जानते हैं, जिससे कि जो अपन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं। तो FIR एफ मतलब फंजीसाइड मतलब फफूंदनाशी, आई मतलब इंसेक्टीसाइड मतलब कीटनाशी, आर मतलब राइजोबियम। तो सबसे पहले फफूंदनाशी का उपयोग किया जाता है, उसके बाद कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, और सबसे लास्ट में राइजोबियम का यूज किया जाता है। और जैसे कि आप राइजोबियम अगर पहले यूज कर लेंगे तो इंसेक्टीसाइड का उपयोग उसके ऊपर कर लेने से वह राइजोबियम मर जाता है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। अब फफूंदनाशी में का बीज उपचार करने के लिए आप पेनफ्लुपेन प्लस ट्राइक्लोस्ट्रोबिन का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति केजी बीज है, या फिर कार्बोक्सिन प्लस थायरम है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से है, या फिर जैव कीटनाशी जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इसका उपयोग 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर सकते हैं। अब इसके बाद में कीटनाशक का नाम आता है। कीटनाशक में आप थाइमेथोक्सोन या इमिडाक्लोप्रिड से बीज उपचारित कर सकते हैं, जिससे कि ये इंसेक्टिसाइड आपको स्टेम्पलाई वाइट सफ़ेद मक्खी और अन्य रस चूसे कीड़ों और दूसरे कीड़ों से ये लगभग 1 महीने तक इससे बचाव हो जाता है। अब इसमें एक बीज उपचार में आप फफूंदनाशी से बीज उपचार में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ कि अगर आपको जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी फफूंदनाशी से बीज उपचार करना है तो इसको आप PSV या राइजोबियम के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है।